हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीन ऑन व्हील्स। माय नेम इज अजय एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यूक 390 के टॉप 5 डिसएडवांटेज। तो मेरे साथ हैं पीछे अभी ईशांत भाई। हाय भाई। ये भाई ऑन करते हैं ब्यूटीफुल मशीन। कितना टाइम हो गया बाइक लिए हुए और क्या क्या भाई ने मतलब प्रॉब्लम फेस करी है, क्या नहीं करी और क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज, तो भाई से बात करेंगे। पहले बाइक दिखाता हूँ आपको, भाई ने क्या क्या लगा रखा। तो भाई सबसे पहले फ्रंट से देखो कितनी मस्कुलर लुक लगती है, मतलब लगता नहीं है कि 390 सीसी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे 890 या 1290 है। बिल्कुल मतलब जो है अपनी बिग सेगमेंट की पूरी कॉपी करी है ड्यूक ने 390 सीसी में, जो इसकी मतलब पूरी चेसिस चेंज करी है, सब फ्रेम चेंज किया है, पूरा आगे का टैंक का पोर्शन इतना मस्कुलर इतना हैवी दिया है कि बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। रोड प्रेजेंस काफ़ी आई कैची है इसकी। तो बात करते हैं तो जैसे फ्रंट से भाई ने इसमें लीवर गार्ड इंस्टॉल कर रखे हैं और फ्रंट लाइट भाई ने स्मोक करा रखी है। और अगर नीचे देखोगे आपको तो USD फोक प्रोटेक्टर इंस्टॉल कर रखे हैं भाई ने। साइड में देखो काफ़ी हैवी वाला भाई ने क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रखा है, जो कि मतलब काफ़ी ठीक रहता है यार खड़ी खड़ी में बाइक गिर जाए, क्योंकि देखो कितनी मस्कुलर है। इससे पहले भाई ने स्लाइडर इंस्टॉल किए थे इसमें, उसमें लुक भी भाई को पर्सनली अच्छी नहीं लगी और भाई को डाउट था कि मतलब अगर बाइक गिर विर गई तो मतलब सेफ नहीं हो पाएगा उसमें ज़्यादा कुछ, तो भाई ने फिर ये हैवी वाले इंस्टॉल करें। तो भाई पीछे की लुक देखो, पीछे से भाई ने स्टॉक रखी हुई है, अभी इसमें टेल टाइडी भाई इंस्टॉल करने वाले हैं, होप सो मैग्नेटिक डालें या कौन सी डालें। और इसमें एक चीज़ देखो यार, आपको लग रहा होगा कि इसकी जो बैक लाइट है वो स्मोक करा रखी है और स्मोक शेड भी मार रही है, मतलब जैसे सनलाइट में काफ़ी हद तक स्मोक शेड मार रही है, बट ये एक्चुअल में स्टॉक है, कुछ भी इस पर रैप वगैरह नहीं हुई है, स्टॉक है। तो ये है भाई कुछ बैक प्रोफाइल, हगर और साड़ी गार्ड भाई ने रिमूव कर रखा है, ये लुक है लेफ्ट से। और ये अपना स्टैंड पे बारिश वगैरह के वेदर में आपके स्टैंड पे नीचे रस्ट नहीं लगता इससे, और काफ़ी जो अनइवन जो एरिया होता है ना उस पर आपके मतलब बाइक को ये बढ़िया होल्डिंग दे देता है, गिरने नहीं देता। और बाकी ने भाई ने पूरी बाइक पे लैमिनेशन करा रखी है। तो भाई ये PPF है या मतलब स्मोक वाली है? ये तो रैप है। रैप है, हाँ जी। और बाकी भी लैमिनेशन करा रखी है, PPF नहीं कराई थी। ओके, ये ब्लैक रैप है और बाकी ये ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन हुई है पूरी बाइक पे। और इसमें मिरर हमें वही मिलते हैं भाई, डोमिनार वाले। भाई का भी चैनल है, तो जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, भाई का यहाँ पे चैनल का नाम भी है दी ड्यूक राइडर करके, तो एक बार ये चैनल चेकआउट करो भाई, उस पर मतलब कंटेंट डालते हैं अपनी बाइक से रिलेटेड राइड वगैरह के, और इन फ्यूचर जो भी मोड वगैरह करेंगे वो सारे कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएंगे 390 से रिलेटेड। तो अगर बात करूँ जैसे भाई आपने बाइक कब बाय करी थी? ये मैंने जनवरी में करी थी भाई, 31 जनवरी को। मतलब ये 24 का ही मॉडल है? हाँ जी। तो ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 महीने हो गए इसे ऑन करते हुए? अप्रोक्स 4 से 5। तो अब तक कितनी चला दी भाई बाइक आपने? चेक करते हैं। तो ये देखो भाई कितनी सही इसकी मतलब TFT ऑन होती है, 1607.6 किलोमीटर होगी। यानी कि 1607 किलोमीटर रन किया है। फर्स्ट सर्विस आपने कितने किलोमीटर पे करवाई थी इसकी? 1000 पे नहीं हुई थी, उन्होंने उनका फ़ोन आया था मेरे पास कंपनी से। ओके। और उस टाइम मेरी शायद 300 भी नहीं चली थी, यही चक्कर था। और कॉल आया तो फिर वही आपको जाना ही पड़ता है। मतलब मैंने सुना है कि KTM में ऐसा भी कुछ सीन है, अगर आप अपनी सर्विस भूल जाते हो या टाइम पे नहीं करवाते हो तो ये आपकी इंजन वारंटी कट कर देते हैं। हाँ जी, इसलिए इतना ही मैंने तो इस वजह से और बंदा मतलब सोचता है कि यार चलो करवा लेता हूँ जल्दी। तो भाई जब आप सर्विस कराने गए थे बाइक की तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था आफ्टर सेल? 50% रहा, मतलब पूछ भी रहे थे नहीं पूछ रहे थे यही चल रहा था, मतलब सेटिस्फाई थे वैसे आप? हाँ जी ठीक। बाकी अगर 4-5 महीने में बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो आपने क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करे? पहला डिसएडवांटेज तो इसका टायरिंग है। ओके। जो जल्दी स्किड करते हैं, मतलब इसकी पावर के हिसाब से ना टायर है नहीं इसके लिए, जो जनरेशन 2 आती थी वही बेस्ट थे टायर उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा इनको टायर में जान डालनी चाहिए थी। मतलब आपका कहना मतलब यह कि सेक्शन भले यही रहता बट ब्रांडिंग चेंज कर देते, इसकी जगह अपोलो अल्फा H1 दे देते या मिशलिन दे देते, थोड़ा अच्छा टायर डालना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पीछे से ना जल्दी स्किड करती है टायर, मतलब गील हो जाते हैं और एकदम थ्रॉटल करेंगे तो तब भी टायर स्किड कर जाता है, वो तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है जो लॉक कर देता है जल्दी से। इसके जो अलॉय है वो काफ़ी लाइटर है पुरानी वाली से, तो कभी आपको कभी डर है इसका मेरे को? हाँ, तो कभी आपको ऐसा मतलब लगा हाईवे वगैरह पे कि यार कोई जैसे एकदम से पोर्टहोल आ जाता है कहीं बैंड पे? थोड़ा सा ना डर लगा रहता है कि अगर किसी अच्छे खासे गड्ढे में आ गए अच्छी स्पीड पे तो दिक्कत हो सकती है,
तो दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि मतलब हाई स्पीड पे चलाओ तो अलॉय वगैरह मतलब देख के भाई अपने रिस्क पे चलाओ एक तरीके से वो चीज़। और जैसा कि भाई मतलब इसकी हेडलाइट कैसी है नाइट में, आप भाई ने स्मोक भी कराई हुई है वो तो मैंने लुक्स के बारे में करा रखी है। अच्छा बस यही है, इसकी लो बीम का मतलब है हाई बीम और हाई बीम का मतलब है हाई बीम, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हेडलाइट को लेके। तो मतलब मेरे को इसके अंदर या तो जो फॉग लाइट्स आती हैं वो लगवानी पड़ेंगी या तो नीचे या फिर ऊपर। तो जैसा कि भाई मेरे को बता भी रहे थे कि अगर अब ये साइड स्टैंड पे खड़ी है तो इसकी लो बीम एक बार को आ रही होगी रोड पे, और जैसी भाई सीधी कर लेंगे इसे वो सीधा चली आएगी ऊपर मतलब उसका थ्रो। अभी मतलब यार दिन हो रहा है, अगर नाइट होता तो मैं चेक कराया था। तो एक इशू भाई मेरे को बता रहे थे कि जैसे वॉशिंग वगैरह जब कराते हैं वो, तो इसकी जो सीट है उसमें कुशनिंग तो में सीट कवर डलवा रखा है फिलहाल, अभी फिलहाल स्टॉक आती है ना उसके अंदर पानी भर जाता है अच्छा खासा, और सूखने में कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा चाहिए कम से कम भी। एक बार मैंने फील भी करा मतलब एक्सपीरियंस ले चुका हूं, मतलब स्टार्टिंग में जब नई नई बाइक आई थी तो मैंने जिस दिन ली थी मैंने बाइक उस दिन ही बारिश थी अच्छी खासी थी, गंदी हुई थी, तो फिर मैंने वॉश कराई 2 दिन बाद तो अच्छी खासी सीट गीली हुई थी, सब कुछ मामला गीला कर देता मेरा पीछे से ना। अब तो नहीं होता ऐसा सीट कवर चढ़ाने के बाद। सीट कवर का पिलियन की सीट कैसी है? पिलियन का अभी मेरे पास रिव्यू आया था तो बेकार ही आया था, मतलब विद पिलियन बेकार है। हाँ जी कह ही सकते हैं, मतलब लमसम 50 किलोमीटर चला सकते हो आप पिलियन के साथ, उसके बाद तो उसकी दुख जाती है अच्छी खासी दुख जाती है। मैंने ही फील करा, मैं अभी जब राइड पे था ना तो मैं और मेरे भाई राइड कर रहे थे, कभी वो पिलियन पे था कभी मैं पिलियन पे था, तो उनके भी अच्छा खासा दर्द हो गया मेरे भी अच्छा खासा दर्द हो गया। ओवरऑल मतलब ये 4 इशू ऐसे हैं, और अगर 5th इशू जो आप बता रहे थे मेरे को, वो जब मैं लास्ट टाइम राइड पे गया था छोटी सी राइड थी लाइक 2 से 3 किलोमीटर की होगी, तो यहाँ पे दिखाइए आप इस स्ट्रीट के ऊपर ओके लिखा हुआ है टेम्परेचर का, हाँ यहाँ पे हॉट लिखा हुआ आया था। अच्छा। वो फेस करा फिर मैंने 2 से 3 किलोमीटर में, जिसका रेडिएटर काफी जल्दी हीट मार जाता है। तो अभी भी जैसे भाई मेरे पास आया तो कम से कम 4 से 5 बार इसका मतलब फैन चल गया था। हाँ जी अच्छा खासा चल गया था। मतलब ये है कि भाई आप इसे स्लीपर में और शॉर्ट्स में नहीं चला सकते, नहीं सिटी राइड के लिए बहुत कम है, बेकार है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए ही सही है। यह है कि विंटर में मजा आएगा, विंटर में तो मजा आएगी कोई दिक्कत नहीं है, विंटर में तो ली थी मैंने, विंटर में वो अच्छा लग रहा था, तब उस टाइम इतना फील नहीं हुआ होगा, उस टाइम इतना फील नहीं हुआ होगा, फील नहीं हुआ था उस टाइम पे, और मैंने सोच लिया था कि पैरों के बाल तो चला ही देगी अच्छे खासे। तो मेन ये 5 डिसएडवांटेज थे, और कोई मतलब डिसएडवांटेज? एवरेज अब तक मतलब कितनी एवरेज देती है? लास्ट टाइम निकाली थी तब 10 की आई थी। 10 की भाई बहुत ज्यादा कम आ रही है, 20 की तो मैंने सुनी, 10 से 12 की आई थी बस, 10 से 12 की। कैसे चला रहे हो? बाबू ज्यादा सिटी में था भाई, सिटी में। और हाइवे पे? हाइवे पे अभी निकाली नहीं इसकी सही में। आपने 390 ही की चूज करी, और भी ऑप्शन थे आपके पास इस बजट में? R3 थी, RN5 पे भी गया था मैं, कावासाकी भी, अब पता नहीं क्यों मेरे को यही पसंद आई। थोड़ा वेट कर लेते तो अप्रिला भी ले सकते थे, 457। अप्रिला का मैंने तो ध्यान नहीं दिया था सही बताऊं तो। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा ना आउट ऑफ बजट भी चली जाती है वो, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उस टाइम पे नई नई आई हुई थी, थोड़ा सा शार्प लुक था, अट्रैक्शन अच्छा था, और एक नेकेडी बाइक चाहिए थी जैसे आपने भी पहले बताया था मेरे को, नेकेडी चलाता हुआ वो शुरू से, पहले पल्सर थी 135, फिर NSI, तो फिर ये, तो स्टार्टिंग से ही नेकेड बाइक चलाई है भाई ने, स्टार्टिंग से नेकेड मतलब सीखी नेकेड से ना मैंने। सही है, मतलब पर्सनल चॉइस है भाई, जैसे मैंने पहले नेकेड थी, अब मैंने फेयर पे आ गया मैं, आएंगे भगवान ने चाहता जल्दी फेयरिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और फेयरिंग के अंदर फिर वही RC390 का पुराना लुक मिल नहीं रहा था मेरे को, नहीं तो RC390 नया वाला इतना पसंद नहीं आया, नया वाला इतना पसंद नहीं आया, वो थोड़ा आगे से बुरा लग रहा है, बाकी साइड लुक और बैक लुक तो ठीक है। और फिर इसका मेरे को मिल गया मेरी हाइट के हिसाब से बेस्ट है। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, तो ये आइडियल कंडीशन का साउंड है, ऐसी रेव करते हैं हल्का सा। तो भाई मतलब काफ़ी बेसी साउंड है और एक मतलब स्पोर्टी साउंड है। तो बाकी जो एक चीज़ अभी मतलब मैंने भी फील करी और भाई भी मेरे को बता रहे हैं, जैसे हम इसे मतलब रेव कर रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ एक बार करके, अच्छी खासी लाउड आती है, एकदम से कट ऑफ हो जाता है साउंड। तो जैसे मैं इसे रेव करूँगा तो स्टार्टिंग में साउंड एकदम मतलब निकलेगी मतलब बेसी, और जैसे ही वो थ्रोटल क्लोज होगा तो एकदम कट हो जाएगी, मतलब साउंड जो है दब रही है, जैसे थ्रोटल लूज कर रहा हूँ ना, ये देखो। अब भाई
ये चीज तो मतलब भाई को भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है या फिर इसमें ऐसे ही होता है, मतलब तो एक बार किसी और 390 में ट्राई करना यार ये चीज, पता नहीं क्या पता ये भी कोई डिसएडवांटेज हो। थ्रॉटल करते हैं ना और रेगुलर करते रहते हैं तो साउंड कटअप हो जाती है, शॉकर जो है एडजस्टेबल मिल जाते हैं तो यहीं से एडजस्ट हो जाते हैं, आप अगर हाईवे वगैरह पे जाओ तो स्टिप करने हैं या सॉफ्ट करने हैं। तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस भाई? इतना कुछ मजा नहीं, मतलब डिफरेंस लगा? कुछ भी नहीं लगा अभी तो फिलहाल। हार्ड किए थे सॉफ्ट? क्या तो मुझे पता ही नहीं कैसे करते हैं इसको, मतलब कुछ पता फील ही नहीं हुआ करने के बाद। सर्विस पे जाऊंगा तब पता चलेगा कि कैसे क्या होता है इसमें, और पीछे का तो मैंने छेड़ा ही नहीं अभी तक। सॉफ्ट और ये हार्ड करने का यहाँ से, और एक मतलब आगे से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, इसकी की आती है तो ये तो मतलब मोस्टली हर बाइक में मिलेगी, बाकी इसका यहाँ से इजी टू एक्सेस यहाँ से हो जाता है। और पुरानी वाली से मतलब लाइट वेट भी है। मैं लेने पुरानी वाली गया था लेकिन उस टाइम पे मैंने जनरेशन 2 देखी थी, तो मैंने जनरेशन 2 ही फाइनल कर ली थी ब्लैक कलर में। हाँ। उसमें मेरे को ब्लैक भी मिल रहा था, अब मेरे को ब्लैक ही चाहिए था। बहुत लोगों का प्यार है भाई पुरानी वाली भी, बहुत से लोगों को याली लुक पसंद नहीं आई है। रेडिएटर भी देखो आपको मतलब कर्व मिलता है इसका पूरा। तो ये ग्रिल भाई ये कंपनी फिटेड है या आपने लगाई है? ये आफ्टर मार्केट है, इस पर आता नहीं है कुछ? आता है, इसका प्लास्टिक कर दिया। अच्छा, वो रिमूव कर दिया। कितनी टॉप स्पीड अब तक चलाई है? मैंने इसको 150 लगा दिया था। 150? हाँ। तो लगा कहीं कि मतलब यार नहीं, रोड से चिपक के चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, भगा सकता है। फुल बल्ब कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं होता। विद पिले नहीं चलाई थी मैंने 150। और जैसे आपने बताया कि मेरे को आपने अभी सर्विस करवाई थी, तो उसकी सर्विस की क्या कॉस्ट आई थी आपको? 2500 करीब आई थी अप्रोक्स। 2500 रुपये? हाँ, वो रबिंग का हो गया था ना इशू, जो भी था वो करानी नहीं थी मेरे को। मतलब कि ये आपके जो कूपन होते हैं सर्विस कूपन, उसमें इसकी 2500 रुपये कॉस्ट आई थी। हाँ। बट अगर आपके जैसे सर्विस कूपन ना हो तो कितनी कॉस्ट आ सकती है? अप्रॉक्स 3000 से ज़्यादा जा सकती है आराम से, 3 से 4000 भी हो सकता है इसका मतलब खर्चा उठा सकता है अगर वो बाय कर ले नॉर्मल बंदा आज के टाइम तो। फ्यूल का खर्चा मार देता है बंदे को, क्योंकि फ्यूल में कुछ नहीं कह सकता मैं उसको, और सर्विस का भी यही है। और आफ्टर जो 5000 चाहिए, पार्ट्स भी काफ़ी महंगे हैं। हाँ, महंगे हैं। अभी फिलहाल कोई ऐसा इशू नहीं आया कि जो पार्ट्स चेंज कराऊँ, लेकिन सुना है मैंने क्या महंगे हैं। जैसे इसके डिस्क पैड वगैरह भी काफ़ी महंगे हैं और चैन सेट वगैरह भी काफ़ी महंगे हैं, तो ये एक ऐसा मतलब ये एक ऐसे पार्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में आपके आपको चेंज कराने ही पड़ते हैं। चैन सेट हो गया और डिस्क पैड हो गए, बाकी जो क्लच प्लेटें वगैरह होती है वो राइडर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कैसे यूज़ करता है। फूकने को वो कल ही फूक दे, नई बाइक की ना फूके तो लाख लाख किलोमीटर चला दे, वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो इसका क्विक शिफ्टर वगैरह कैसा है भाई, यूज़ किया? मतलब राइडिंग रिव्यू एकदम बेस्ट है। जो आपने डिसएडवांटेज बताए हैं वो ये है कि हीटिंग इशू है इसमें और हेडलाइट, और जो आप बता रहे थे कि एक सीट का इशू है इसमें, और जो टायर जो है कंपनी को दूसरे देने चाहिए थे, टायर देना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। भाई ने जो 5 डिसएडवांटेज बताए हैं, इतने बड़े कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये मतलब पर्सनली एक भाई ने अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर किया है 4 मंथ का। 4 मंथ में भाई ने ये चीज़ फील करी है, जो जेन्युइन एक ओनरशिप रिव्यू था भाई का। बताने को भाई कुछ भी बता सकते थे कि नहीं भाई कुछ नहीं है ये है, तो जो उन्होंने फील किया वो बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना। डू सब्सक्राइब लीड ऑन व्हील। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।